आज सनातन धर्म कितना बिखरता जा रहा है। देखो हमारे देश के कितने राज्य ऐसे हैं जहां हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया जाता है। अब हम लोग कछा से कहते हैं कि आप लोग देश की ये सेवा करो, धर्म की ये सेवा करो कि जहां भी सनातन धर्म के हिंदुओं को कोई जबरदस्ती लालच इत्यादि देकर यदि धर्म परिवर्तन कराया या करा रहा है उसे रोक कर और अपने भाइयों को फिर से वापस सनातन धर्म में लाओ और कहो कि भाई ये अपराध मत करो, अपना धर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। खुद के धर्म में जीना मरना ठीक है, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना ठीक नहीं है। आज हमारे देश में सनातन धर्म जहां भी, अब देखो एक पिक्चर आने वाली है, अभी मैंने सुना है अभी कहीं शुरू होने वाली है, जिस पर साधु संत हमारे देश के जो भगवा कपड़ा पहनते हैं उस भगवा कपड़े को उन्होंने बदनाम कर दिया, उस पर एक उल्टा गाना बना दिया। क्या है भगवान जाने, मैंने सुना तो नहीं, पर गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया उस रंग पर। अरे हमारे देश में जब हमारा सम्मान है, हमारा हमारे संतों से हमारा देश पहचाना जाता है, आज बताओ हमारे देश में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी कुंभ लगते हैं उन कुंभों को किससे पहचान मिलती है? यदि संत ना हो कुंभों में, चाहे हरिद्वार का कुंभ, प्रयागराज का कुंभ इत्यादि, यदि संत हटा दिए जाए कुंभों से तो कुंभ में फिर रहेगा क्या? जिस देश को साधु संतों के नाम से, विवेकानंद जी के नाम से जाना गया, जिस देश में वशिष्ठ जैसे, जिस देश में महापुरुष कमी ना एक से बढ़कर एक, जिन्होंने, अब आपको मैं क्या क्या बताऊं, आप कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, अरे भैया महर्षि कणाद हुए हैं जो हजारों साल पहले गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत लिख कर गए। विडंबना ये है हम अपने ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ते नहीं बल्कि उनके कपड़े, उनके स्वरूप को, उनको बदनाम करने लग जाते। सनातन धर्म के खिलाफ कितनी पिक्चरें बना दी बताओ, एक भी पिक्चर नहीं बनाई अन्य धर्मों के लिए, हिम्मत नहीं है, कहने की हिम्मत नहीं। सनातन धर्म, इस धर्म के लोग ना सरल हैं, सहज हैं, सीधे हैं, कोई भी गाली देकर निकल जाए कुछ नहीं बोला जाता उसको। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि ऐसी पिक्चरों का बहिष्कार कीजिए जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को ऐसी पिक्चरों से दूर रखो, मत देखो, क्या घट जाएगा पिक्चर नहीं देखेंगे तो। कितनी पिक्चरें बना बना के इन्होंने उल्टा काम किए हैं, साधु संतों को चोर डकैत सिद्ध कर दिया, बलात्कारी सिद्ध कर दिया पिक्चरों के द्वारा। अरे भाई ये पांच उंगली एक सी नहीं होती, हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, हर जगह अच्छे और बुरे लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन एक गलत चला गया रास्ते पर, इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम सबको गलत कहें, जो गलत है उसे गलत कहा जाए कि भाई ये व्यक्ति गलत है, ये नहीं कि हम उन संतों को भी गलत कहें जो भगवान का सच्चे भजन करने वाले परम साधु हैं, परम संत हैं। इसलिए हम सनातनियों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले हम सभी, आप किसी भी संत का, किसी भी साधु का सम्मान, सारे संत साधे, सारे साधु जो भी कथा सुनाने वाले हैं, जो भी आपको अच्छी राह दे रहे हैं, सभी गुरु तुल्य हैं और सही रास्ते पर चलाने वाले लोगों को आप आदर दें, सबका सम्मान करें। संगठित भारत अलग होगा और बिखरा भारत अलग होगा। यदि हम बिखर जाएंगे तो जब जब बटे तब तब घटे। बट गए ना तो मुगलों ने हमें लूट लिया, बट गए ना तो अंग्रेजों ने हमें लूट लिया, और यदि संगठित तो हो गए तो गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। विदेशी एक आदमी है, शेक्सपियर उसका नाम है, जो बहुत सारे शब्द दिया, पर बताइए क्या गोस्वामी तुलसीदास जी से ज्यादा शब्द दिया उसने?
विडंबना देखी है। लोग शेक्सपियर को तो जानते हैं पर तुलसीदास जी को पढ़ने की जानने की कोशिश नहीं करते। हमारा सनातन धर्म जो राम की बात करे, जो भगवान कृष्ण की बात करे, उसे सनातनी मानकर उसके सही रास्ते पर चल पड़ो और सही रास्ते पर चलो। हम आपको शराब पीने का नहीं कहते, शराब मत पियो, गांजा मत पियो, शराब के साथ मांस मत खाओ, सिगरेट मत पियो। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, फिल्मी दुनिया वाले शराब पिलाना सिखा रहे हैं। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, उन्होंने पिक्चर बना दी दूध मत चढ़ाओ, पर शराब के खिलाफ एक पिक्चर बनाई कि शराब मत पियो, क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वो चाह वो गुटखा का प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने पर केसर का दम। अब जो आपको दाने दाने पर गुटखा खवाए, वो गुटखा खवाने वाले, देश को गुटखे के रास्ते पर ले जाने वाले, बताइए वो समाज के और आपके कितने शुभ चिंतक होंगे। ऐसों की पिक्चरों का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? जो आपको गुटखा खवाएं, आपके बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाएं, सनातनी हो तो ऐसी आने वाली गलत पिक्चरों का आपको बहिष्कार करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं सारी पिक्चर जो भी अब बनाएं ये लोग, कुछ भी मत देखो, देखना है तो गीता खोलकर गीता देखो, रामचरितमानस देखो, कथाएं सुनो और सनातन धर्म को जोड़ के रखो। आपकी जिम्मेदारी है, हर सनातनी जो सही बात कहे, सही बात बताए। अब ये दास अनिरुद्ध हम क्या करते हैं, हम सेवा करते हैं वृद्ध माओं की, माओं की सेवा करते देख भारत के हजारों बच्चों ने माओं की सेवा करनी शुरू कर दी। बोलो हाँ या ना, सेवा शुरू कर दी, हजारों बच्चों ने पांव दबाने शुरू कर दी अपने माँ के, चरण सेवा शुरू कर दी अपनी माँ के, क्या बुराई है? वृंदावन में आप आना, आपको चमत्कार देखना है तो आना। सवेरे से शाम तक अखंड रसोई चलती है, कोई भी आए द्वार पर भूखा नहीं जाता। ये गौरी गोपाल भगवान का चमत्कार नहीं तो क्या है? सबको भरपेट भोजन मिलता है, कोई भूखा नहीं जाए, चाहे हजार आए, दस हजार आए, पचास हजार लोग आए, सबको भोजन मिलता है। और मेरे साथ कोई अडानी अंबानी का पैसा नहीं आता कि मैं उस पैसे से सेवा कर रहा हूँ। आप लोगों से जो भीख मांग लेता हूँ, आप लोगों से जो कहते हैं, हमारे एक संत जी कह रहे थे कि अपने लिए कभी मत मांगना, पर परोपकार के लिए, समाज की सेवा के लिए मांगने में लाज मत करना। मैं अपने लिए कभी नहीं मांगता मेरी माँ के मुझे दो, मुझे ज़रूरत नहीं है। आप जो देते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएँ चल रही हैं, कथा सुन सुन के हजारों परिवार, हजारों बच्चे शराब छोड़ करके सही रास्ते पर आ गए, हजारों बच्चे शराब छोड़कर रही रास्ते पर आ गए। मांस, आप में से कितनों के जीवन में सुधार हुआ कथा सुनकर ये बताइए, इतनों के? लाखों लोग सुधर गए, आप जितने हैं आप तो बता ही रहे हैं, लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप भी अपने बच्चों को कथाओं से जोड़िए, संस्कार से, सत्संग से जोड़िए।